खबर फिरोजाबाद से। राष्ट्रीय संगठन ठाकुर महासभा वीरांगना द्वारा हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर फिरोजाबाद क्लब में द्वितीय हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरे परिधानों में 122 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में श्रीमती काजल सिंह बैस को हरियाली तीज क्वीन एवं रनर अप श्रीमती शीतल सिंह रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मथुरा से पधारी ठाकुर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया ठाकुर जी एवं लक्ष्मी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती लक्ष्मी सिकरवार की उपस्थिति रही, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि का ठाकुर महासभा की पदाधिकारी नीलम तोमर, प्रदेश अध्यक्ष दीपशिका भदौरिया, जिला अध्यक्ष ओमलता सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनेकाएक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ मुख्य आकर्षण के तौर पर श्री राधा रानी के स्वरूपों का नृत्य रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को हेतु मुख्य अतिथि श्रीमती सोनिया ठाकुर द्वारा श्रीमती नीलम तोमर, दीपशिका भदौरिया, ओमलता सिंह, नीतू सिंह, मधु सिंह का सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की साथ सज्जा के साथ साथ झूला भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान जिला प्रभारी मीरा शिकरवार, अंजलि गौर, सरला तोमर, रीता भदौरिया, राधा भदौरिया, रानी तोमर, आशु सिंह, रेखा रानी, अंजना भदौरिया आदि कई महिलाओं की उपस्थिति रही। आज हम लोगों ने हरियाली तीज का कार्यक्रम कराया है। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हमेशा हर साल इसी तरह चलता रहे। हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, डांस हो रहे हैं, गाने भी हो रहे हैं, स्पीच भी दी जा रही है और झूले भी है, डांस में सब चीज बहुत अच्छी हो रही है ठाकुर महासभा में। और मैं ओमलता सिंह, जिला अध्यक्ष ठाकुर महासभा की तरफ से, और बहुत अच्छे प्रोग्राम किए गए, गेम भी रखे गए हैं, खाना भी है, बच्चों के लिए भी गेम है, बड़ों के लिए भी है। और हरियाली तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छा मनाया जा रहा है। कोशिश यही रही है हमारी कि हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहे और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे हर साल। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर ठाकुर महासभा राष्ट्रीय संगठन वीरांगना द्वारा ये हरियाली तीज का प्रोग्राम किया गया है। इसमें महिलाओं के सभी आकर्षण का केंद्र है, जैसे तीज क्वीन है और मेन आकर्षण का केंद्र राधा कृष्ण की झांकी। 100 से अधिक महिलाओं ने यहाँ प्रतिभाग किया है और हमारा मानना ये है कि अपनी संस्कृति को हम लोगों पर पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हमारे भारत में क्या क्या सभ्यताएं हैं, क्या क्या संस्कृति है और लोग आजकल के लोगों को जागरूक कर सकते हैं अपनी संस्कृति की ओर।